नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोटवारी ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का और अपने सभी सब्सक्राइबर का और जो अभी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कोटवारी ऑफिस के अंदर दोस्तों। और आज की जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब के जो कपल्स हैं, जो लड़का लड़की जो पंजाब के रहने वाले हैं, अगर वो लोग कोर्ट मैरिज अपनी करना चाहते हैं, वो अपनी अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो दिल्ली में आके अपनी लव मैरिज कैसे कर सकते हैं, और जिसका बहुत आसान तरीका है, जिसमें कि कोई नोटिस इस प्रोसेस में कभी भी किसी के घर नहीं जाता है। तो अधिकतर जो ऐसे कपल्स हैं जो कि जिनको अपना डिपेंडेंट वीजा लगवाना होता है या किसी को अपना स्पाउस वीजा लगवाना होता है, तो अगर वो दिल्ली में आके अगर मैरिज अगर करना चाहते हैं, तो आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो कि पंजाब के रहने वाले हैं और अपना स्पाउस वीजा लगवाना चाहते हैं या अपना डिपेंडेंट वीजा लगवाना चाहते हैं, तो बिना नोटिस के मैरिज कैसे करी जाए जिससे कि कम समय लगे और सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोग जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहां से कोर्ट से कैसे मिल सकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कपल्स के लिए बनाया गया है, कि जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं उनकी जो मैरिज है उसकी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। तो दोस्तों सबसे शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली में आके अगर मैरिज अगर करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे पास जो लोग आते हैं कि किसी को कनाडा का स्पाउस वीजा लगवाना होता है, किसी को ऑस्ट्रेलिया का लगवाना होता है, किसी को यूएस का लगवाना होता है, जो लोग वहां रहते हैं पंजाब के, तो दोस्तों दिल्ली में आपकी शादी करने का, आपको सर्टिफिकेट मिलने का एक बहुत ही एक आसान प्रोसीजर है। जैसे कि मैंने आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़के की जो बॉय की जो एज है, जो उसकी उम्र है, वो कम से कम 21 ईयर्स 21 साल जरूर होनी चाहिए। अगर उससे एक भी दिन अगर कम है तो शादी नहीं हो पाएगी। और जो गर्ल है, जो लड़की है, उसकी एज कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसकी प्रक्रिया समझा देता हूँ, जो कि एक बहुत ही आसान प्रोसेस है, कि आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप यहाँ पर दिल्ली में, जैसा कि आप ये जो मेरा ऑफिस देख रहे हैं, ये मेरा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर मेरा ऑफिस है, जो कि 30 हजारी कोर्ट एक बहुत एक फेमस कोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है 30 हजारी कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो यहां पर दिल्ली में आप लोगों को 30 हजारी कोर्ट में आपको आना होता है, और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। देखिए सैटरडे और संडे को मैरिज नहीं होती है, तो अगर आप अपनी लव मैरिज अगर करने का प्लान कर रहे हैं तो सैटरडे संडे को छोड़कर आप किसी भी दिन आप यहां पर दिल्ली में आ सकते हैं। अब इसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि जो पहले दिन जब आप आएंगे तो पहले दिन सिर्फ 2 या 3 घंटे का वक्त लगता है, और जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है उन रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर में आप लोगों की शादी करवाई जाती है और उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। अब पहले दिन आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जो सेकेंड डे होता है, जो दूसरा दिन होता है, उस दिन आप लोग जो है जज साहब के सामने जाते हैं, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने आप लोग जाएंगे। लड़का लड़की आपके दोनों के बयान होते हैं उनके सामने, जो आपके विटनेस है, जो आपके गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट होती है, और उस दिन आपको जो है कोर्ट के मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट को आप अपना ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलेगा उसके बिहाफ पर आप अपना डिपेंडेंट वीजा लगवा सकते हैं, आप अपना स्पाउस वीजा लगवा सकते हैं आप। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सारा एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है, जब तक आप लोग खुद नहीं किसी को बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ता है कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रोसेस में अगर आप मैरिज अगर दिल्ली आके करते हैं तो कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस या कोई ऐसा कोई लेटर वगैरह कभी भी नहीं जाता है। तो ये मैंने आपको इसकी मैरिज की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। तो यानी कि 2 दिन का वक्त लगेगा और दोनों दिन सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए आपको दोनों दिन यहां पर कोर्ट में आना होता है। अब मैं इसके मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूं कि जो लड़का है, जो बॉय है, और जो गर्ल है, जो लड़की है, उन दोनों के पास में उनका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आप दोनों के पास में आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, तभी आप यहां पर आकर मैरिज कर सकते हैं। और आधार कार्ड के साथ में एक आपका एज प्रूफ, जो आपका एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका जो स्कूल का जो मैट्रिक क्लास का जो 10th का सर्टिफिकेट है आप वो दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, और इसमें 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो 2 गवाह होते हैं, और उन दोनों गवाहों का आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप दोस्तों ये मैंने आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको इस मैंने इसकी प्रक्रिया बता दी मैरिज की।
तो आप यदि कभी भी आप अपनी मैरिज अगर करना चाहते हैं, यदि कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा ऑफिस 30,000 कोर्ट दिल्ली में है, तो आप कुछ भी अगर इंक्वायरी अगर लेना चाहते हैं या आप कोर्ट मैरिज ऑफिस से आप शादी करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक। तो दोस्तों आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज कॉल मी ओनली बिटवीन द टाइम कि आप सुबह सिर्फ 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसी बीच में आप कॉल कीजिएगा दोस्तों, आपकी कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है, कुछ अगर आप कोर्ट मैरिज से संबंधित, अपनी लव मैरिज से संबंधित अगर आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।